47 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस, बाय हाउ मच रेट विल इंक्रीज, बाय हाउ मच रेट विल इंक्रीज, सॉरी ये तो दे दिया ना, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये निकालना। क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक दूसरा क्वेश्चन और, एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन तुम्हारे पास नोट्स में ना ये क्वेश्चन होंगे, एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज लोड बाय 10 किलो कैलरी, बाय 10 किलो कैलरी, बाय हाउ मच रेट विल इंक्रीज। शिवा? यस सर। ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं इसमें? नोट्स में देखना है, बार नोट्स में होंगे क्वेश्चन ये। एक बार चेक करना जल्दी से। सर उसमें लोवर्ड बाय 2 किलो कैलरी है। अच्छा 2 है, चलो 2 ही सही कर लो फिर, 2 से ही करो, बाय 2 किलो कैलरी, बाय हाउ मच रेट विल इंक्रीज, बाय हाउ मच रेट विल इंक्रीज। चलो इसके आज मेरे को ना डेरिवेशन करानी है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की, इसलिए पहले दो क्वेश्चन कर लो जल्दी से ढंग से, फिर देखते हैं आगे।
अनकाली आंसर इसके। निकालिए आंसर शिवा, गर्वेत, आशीष। सर फर्स्ट निकालिए का सब आंसर कि नहीं। 51.9 किलो जूस है। हाँ इसके आसपास में हो सकता है, बिल्कुल सही है। और दूसरे का सर सेकंड अभी कर रहा हूँ। सेकंड कर रहे हो अभी, चलो फर्स्ट देख लेंगे पहले, फिर देखते हैं सेकंड। फर्स्ट देख लो बार, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स यानी फोर टाइम्स। फॉर्मूला लगेगा log k2 by k1 is equal to ea, ea यानी फॉरवर्ड एक्टिवेशन by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2। फॉर्मूला गलत मत लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन और एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। k2 by k1 की वैल्यू दे रखी है 4, क्योंकि क्वाड्रपल्स बोल रखा है। ea by 2.303 r, r है 8.314, 1 by t1 माइनस 1 by t2, 1 by 300 माइनस 1 by 320, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो log 4 होता है 0.6, 0.6 इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल में आंसर आएगा, और ये आ जाएगा ऊपर 300 इंटू 320 ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 20, यही आएगा। ये यही आएगा कि नहीं? ये सर यस सर, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा, यहां से जूल पर मोल में आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेट निकालना है तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 55 किलो जूल आ रहा है, किलो जूल में 55 के आसपास ही आएगा, ये 15 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 20, 20 इंटू 0.6 ये हो गया 12, ये मैं अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूँ, 12 इंटू 15, 12 हो गया 180, 15 इंटू 12 180 हो जाएगा, 180 इंटू 320 यही आंसर आ रहा है ना, 180 इंटू 320 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं ये। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कह सकते हैं हम इंटू 1.8, 3.2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, 22,000 कर देंगे तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा, तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में। तो 3.2 इंटू 1.8 ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 × 2 = 6 होता ना, तो ये 6 के क्लोज होगा, 5.5। हाँ सही है बिल्कुल आंसर, तो 55 किलो जूल हो जाएगा आंसर, 55 किलो जूल के आसपास, 55 किलो जूल पर मोल। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम ऐसे ही कर सकते हो आंसर, कोई डाउट किसी को? नो सर, इजी था। और सेकंड वाला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन किया किसी ने कि नहीं अभी? एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन किया किसी ने? चलो निकालो जल्दी से आंसर, सेकंड का 2.3 times। नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, पर चेक करो दोबारा, ये लिखा गया लोअर्ड बाय 2 kcal, लोअर्ड बाय 2 kcal।
सर 11.5 टाइम्स अप्रोक्स। हाँ निकाल लिया सर। आंसर निकाल लिया सबने। देखो जरा एक बार इसमें कंसेप्ट लगाएंगे। पहले पहले फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम डिराइव किया था वो फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉग के टू बाई के वन ई ए वन माइनस ई ए टू डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। देखो इतने में आंसर निकल जाना चाहिए। निकाला किसी ने आंसर क्या? 28 टाइम्स। शिवा एक बार चेक करा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। शिवा आ रही है सर, आपकी इतनी देर से वॉइस ही नहीं आ रही। अच्छा नहीं आ रही अभी, है क्लियर कि नहीं? सर अब आ रही है, आपने वो करा दिया सॉल्व पिछला वाला क्वेश्चन? मैं वही करा रहा हूँ, एक बार देख लेंगे। निकाला आंसर किसी ने उसका? सर 14.4 टाइम्स। नहीं नहीं अभी किसी ने बोला था बीच में आंसर एक। 28 टाइम्स। हाँ ये किसने निकाला है? ये किसने निकाला है? नितिन। हाँ नितिन का सही है बिल्कुल। 2000 डिवाइड बाय 2.303 आर 2 लेंगे, टी लेंगे 300 केल्विन, आर 300 ले लेंगे तो लॉग के टू बाई के वन। तो ये आ गया, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहां से आ जाएगा 13-14 के आसपास आ जाएगा। चलो मान लेते हैं ये आ गया 13 के आसपास, 13 या 14 के आसपास आएगा। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली? 1.4 समथिंग आ रहा है सर। 1.4, चलो 1.4 ही आ गया तो log k2 by k1 जो 1.4 आ गया तो यहाँ पे k2 आ जाएगा 0.4 किसका एंटीलॉग होता है? 0.4 होगा 2.8 का एंटीलॉग into 10 की पावर 1, तो k2 by k1 आ गया ऐसे 21 times। ये आ जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर हाँ, किसी को डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। सर आपने आर की वैल्यू 2 लिखी है, ये आर की वैल्यू 2? हाँ 2 कैलोरी पर कैलोरी पर केल्विन पर मोल होती है वैल्यू।
ओके सर। चलो नेक्स्ट, अब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। अब ये मेन डेरिवेशन देखो, न्यूमेरिकल सारे नहीं हुए अभी, दो करा दिया जस्ट कि हमने टॉपिक खत्म कर लिया। अब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की मेन डेरिवेशन है यहाँ पे, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, k इज इक्वल टू x बाय t या a नॉट माइनस a बाय t, इसकी डेरिवेशन। और k इज इक्वल टू दूसरा 2.303 बाय t log ऑफ a अपॉन में a माइनस x फर्स्ट ऑर्डर की, ये डेरिवेशन ना, ये डेरिवेशन करनी है दोनों। जीरो ऑर्डर ए इस प्रोडक्ट स्टार्टिंग में ए जीरो, ए को ए नॉट मानना है, ए माइनस एक्स को ए मानना है, ये भी ध्यान रखना है। अब डेरिवेशन देखेंगे इसकी ध्यान से। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट होगा के इंटू कंसंट्रेशन की पावर जीरो, यानी रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व अगर मैं बोलूं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कोई डाउट तो नहीं है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा रेट। बात समझ रही कि नहीं है? यस सर। और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व आएगा ना, वो भी तुम देखना, कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये आएगा ये वाली चीज, ये कंप्लीशन की तरफ जाएगी, अभी प्रूफ भी हो जाएगा और स्लोप आएगा इसका माइनस के, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये वाला। तो ऐसे वाले कर्व जितने भी है ना किसी भी चैप्टर के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है जिसमें डिक्रीजिंग स्लोप है, यही पूछने जा रहा था, स्लोप इसका माइनस के आएगा, अभी प्रूफ हो जाएगा ये। देखो सर, रेट जो के इनटू, दोनों कर्व्स इंपॉर्टेंट है, दोनों कर्व करने हैं। कई बार कर्व दे देंगे, कहेंगे डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। रेट जो के इनटू कंसंट्रेशन की पावर जीरो है, रेट इज टू के इनटू कंसंट्रेशन की पावर जीरो है, एक डेरिवेशन इसकी देखो, रेट टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगा तो माइनस डी ए बाई डी टी, ए कब हो रहा है ना टाइम के साथ साथ, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के आ जाएगा, डी ए आ गया के डी टी। ए जो है इनिशियली ए नॉट था, फाइनली ए था, डी टी जीरो टी, जीरो था और अब टी है, अब टाइम क्या है टी, तो अब यहां से आ गया a माइनस ए, और माइनस भी लगेगा, माइनस था ना यहाँ पे माइनस, तो a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस जीरो आएगा ब्रैकेट में, ये आ जाएगा, तो ये आ गया यहां से t इज टू आ गया a नॉट माइनस a बाय k, कोई डाउट? t इज टू a नॉट माइनस a बाय k, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ये आ गया ना, और a नॉट क्या है हमारा, a है, a माइनस x क्या है, कैपिटल a, तो x बाय k, समझ आया कि नहीं? a नॉट माइनस a बाय k, तो x बाय k आ जाएगा। दूसरा, अगर ये डेरिवेशन समझ नहीं आई है तो तुम dx बाय dt वाला कांसेप्ट लगा सकते हो, रेट होता है dx बाय dt is equal to k for zero order reaction, तो dx आ गया k dt, तो dx k dt, अब चाहो तो लिमिट लगा दो, इनिशियली x क्या था, जीरो था, अब फाइनली क्या है, x है, टाइम क्या था, जीरो था, अब क्या है, t है, तो x equal to kt आ गया, हो गई डेरिवेशन खत्म। ये ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऊपर बताया वो बेस्ट मेथड है, मैं सारी डेरिवेशन इसी तरीके से, दोनों तरीके से करा सकता हूं मैं डेरिवेशन, ये ऊपर जो बताया इस तरीके से कर लेना डेरिवेशन। a नॉट माइनस a बाय k, a नॉट माइनस a बाय k, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो दोबारा डेरिवेशन में। तो अब अगर मैंने बोला t हाफ क्या होगा, t हाफ हाफ लाइफ टाइम क्या होगा,
हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है और आधा बचा है, तो टी हाफ क्या होगा, ए बाई टू के। कोई डाउट इसमें? ये समझ आ गया कि ना हाफ लाइफ टाइम? बोलो शिवा, गर्वित, आशीष, नितिन। यस सर। हाँ क्या सर? अब इसी के अंदर बताना, अगर मैंने बोला टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन? कंप्लीशन पे ए माइनस एक्स, हाँ ए माइनस एक्स जीरो हो जाएगा सर, ए नॉट बाय ए माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ए माइनस एक्स जीरो हो गया, यानी ए बाय के या ए नॉट बाय के, दिस इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये तुम चेक कर लो कि यही ऑर्डर कंप्लीट होगी टाइम पे, और कोई टाइम पे कंप्लीट नहीं होगी, कंप्लीट कोई रिएक्शन नहीं होगी बिल्कुल भी, हर एक रिएक्शन कम होती जाएगी, रिएक्टेड कम होते जाएंगे लेकिन कभी भी खत्म नहीं होंगे पूरे। अब टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का कर्व कैसे आएगा, क्या आएगा टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन? बोलो क्या आएगा टी हाफ वर्सेस इनिशियल, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन स्लोप 1 बाय 2 के, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन स्लोप 1 बाय 2 के। आगे समझ के नहीं है? आगे समझ के नहीं? यस सर। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बना लिया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कराया गया, टी हाफ वर्सेस ए का बना लिया। एक कर्व और होना चाहिए, कोई एक कर्व कोई होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हो गया, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन हो गया, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। चलो एक अभी आगे कोई आगे मैं बता दूंगा, एक कर्व कोई और है, तीन कर्व तो बता दिया मैंने, और इस डेरिवेशन को और कर्व को दो दो बार जरूर कर लेना, ये तुम्हारी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के ऊपर, अगर तुम ये नहीं करोगे तो आगे दिक्कत आएगी चैप्टर में। ये तुम्हें याद रहना चाहिए हमेशा कि कर्व ये कैसे होगा आगे। अब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगेन ए गिव्स प्रोडक्ट, ए जीरो, ए माइनस एक्स, एक्स ए है ए नॉट, ए माइनस एक्स है ए, तो बस इसमें रेट आएगा के इनटू कंसंट्रेशन की पावर वन आएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और कंसंट्रेशन वर्सेस, ये मैं प्रूव भी करूंगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये इस तरह चलेगा, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा बट विल नेवर अप्रोच एक्स एक्सिस, उसको टच नहीं करेगा कभी, ये प्रूव भी होगा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ये प्रूव भी हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। रेट जो के इनटू कंसंट्रेशन पावर 1 है, रेट हमारा क्या है माइनस डी बाय डीटी, के इनटू ए आएगा, डीए आ गया यहां से, डीए बाय ए के डीटी, माइनस लगा देना जीरो से टाइम लिमिट्स, ए नॉट से ए, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा, तो ये यहां से आ गया ए बाय ए नॉट, नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, तो ए आ गया ए नॉट इक्वल माइनस के टी। चाहो तो दोनों साइड लॉग ले लो, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी, तो इसमें भी कर्व आता है कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व कैसा बनेगा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन या लॉग ऑफ रेट, रेट भी बोल देते हैं इसको, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व कैसा आएगा, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, बोलो डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के, माइनस के, माइनस के, नहीं नहीं फिर गलत कर रहे हो तुम, माइनस के बाय 2.303, मैंने लॉग लिखा ना लॉग ऑफ के, या नेचुरल लॉग है, समझ गए कि नहीं है, ये वाले कर्व सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा सेम टाइप का कर्व किसके बीच में बना था जीरो ऑर्डर में,
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तीन बता दी मैंने, ये कर्व हो गया। अब इसमें तीसरा एक और कर्व है, अब इसमें फॉर्मूला वही तुम्हारा क्लियर हो गया यहाँ पे, इसको ए को लिख देना, कैपिटल ए को लिख देना ए माइनस एक्स, इसको लिख देना ए, तो सॉल्व करोगे तो के आ जाएगा 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, आ जाएगा कि नहीं ये, इसी चीज को देख लो ना, बट इससे देखो आ जाएगा आंसर। और यहां से ये पता लग गया कि जो कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली माइनस केटी आएगा, माइनस केटी आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा विद टाइम, कंसंट्रेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा विद टाइम, क्लियर होगी बात की नहीं है, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो यहाँ पे आ गए, अब हाफ लाइफ टाइम के लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या होगा, एक्स ए बाई टू हो जाएगा, एक्स ए बाई टू 0.693, हाँ, बाय टी लॉग ऑफ हाफ लाइफ, मैं टी को हटा रहा हूँ यहाँ से और के को यहाँ कर रहा हूँ, टी ऑन यहाँ के आ गया, लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस ए बाय टू, यानी ए बाय टू आ जाएगा, तो लॉग टू ये आ गया 2.303 बाय के लॉग टू, तो ये हाफ लाइफ टाइम है, ये हाफ लाइफ टाइम है, और लॉग टू होता है 0.3010, सॉल्व करेंगे 0.693 बाय के आ जाए, ये टी हाफ आएगा, तो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का कर्व कैसा बनेगा, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन कर्व कैसा बनेगा इसका, स्लोप जीरो, हाँ बिल्कुल सही है, ये आएगा कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा आएगा, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये डेरिवेशन होगी, चारों कर्व देख लेना, डेरिवेशन को दो बार जरूर कर लेना। अब इसके अंदर तुम्हें अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कि व्हाट इज, ये आईआईटी का क्वेश्चन है एडवांस का, एक पार्ट ले रहा हूं इसका सिर्फ, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताओ क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब तुम्हें एक्स बाय ए निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट आंसर देना, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट आंसर देना, एक्स बाय ए की वैल्यू क्या आएगी, या ये प्रूफ, चलो मैं डायरेक्टली देता हूँ, ये प्रूफ करो, याद कर लेना ये अल्फा है इसका, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये प्रूफ करो, उसको याद भी कर लेना, निकाल लिया किसी के, नहीं देखो ए से प्रोडक्ट बन रहा था, ध्यान देंगे एक बार, ए से बन रहा था प्रोडक्ट, ए था जीरो था, ए में से एक्स गया एक्स बना, तो डिग्री ऑफ डिसीजन क्या होगा, एक्स बाय ए होगा, ये निकाला है मैं, मेरे को ये रिलेशन पता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल माइनस के टी है, ए क्या है ए माइनस एक्स, ए नॉट क्या है स्मॉल ए इज इक्वल टू ई क्यूब माइनस के टी, अलग अलग कर दो, वन माइनस एक्स बाय ए इज इक्वल टू ई क्यूब माइनस के टी, तो एक्स बाय ए क्या आ जाएगा यहाँ से, वन माइनस ई क्यूब माइनस के टी, आया समझ के नहीं, देखो समझ आ गया कि नहीं है, ये समझ आ गया सबको कि नहीं, यस सर आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसका, भूलना नहीं बिल्कुल भी इसको, फर्स्ट ऑर्डर का कर लिया हमने, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान देना, जल्दी से देखना थोड़ा सा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन कर लोगे तुम खुद, सेकंड ऑर्डर की ए गिव्स प्रोडक्ट्स ए माइनस एक्स, तो एक्स ये हमारा ए है और ए जो था वो ए नॉट था, ये ए नॉट था, ये जीरो था जब, तो सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन करनी अगर, सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेशन, तो माइनस डी ए बाई डी टी के इंटू ए का स्क्वायर आएगा, तो ये डी ए बाई
ए का स्क्वायर डी ए बाई ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, के डी टी नेगेटिव में, जीरो से टी, ए नॉट से सॉल्व कर लोगे वैसे कि नहीं? यस ये आएगा, एक बार चेक कर लेना, ए की ओर माइनस टू प्लस वन बाय, माइनस वन बाई आएगा ना इंटीग्रेशन इसका, माइनस वन बाय ए। यस सर, माइनस वन बाय ए आ जाएगा और लिमिट्स है ए नॉट से ए और माइनस के टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वन बाय ए माइनस वन बाय ए नॉट वन बाय के इज इक्वल टू टी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, टी इज इक्वल टू आ गया वन बाय के वन बाय ए माइनस एक्स माइनस वन बाय, ये आएगा कि नहीं, ये आएगा कि नहीं, जल्दी बताएंगे एक बार। यस सर, ये आ रहा है, ये आएगा ना, इसका टी हाफ भी निकालना जरूर, इसका टी हाफ भी निकालना, तो टी हाफ निकालोगे तो ए माइनस एक्स को लिख देना ए बाय टू, टी हाफ निकालोगे तो ए माइनस एक्स को लिख देना ए बाय टू। ये है सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर की होगी तो तब क्या आ जाएगा, वन बाय टू के आएगा कि नहीं, ये एक बार चेक करना जल्दी से, थर्ड ऑर्डर की अगर होगी तो, वन बाय ए माइनस एक्स का थर्ड ऑर्डर की बता पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, वन बाय ए स्क्वायर आएगा, चेक करो एक बार थर्ड ऑर्डर के लिए। शिवा? यस सर, यही आएगा। और फोर्थ ऑर्डर के बोल डायरेक्ट एक बार शिवा, फोर्थ ऑर्डर के लिए सर, टी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री के ब्रैकेट में स्क्वायर वन अपॉन ए माइनस एक्स का क्यूब माइनस वन अपॉन ए का क्यूब। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। अब nth ऑर्डर के लिए बोले पर शिवा, nth ऑर्डर के लिए वन बाय सर वन बाय एन के ब्रैकेट वन अपॉन एन माइनस वन। यस सर, एन माइनस वन नहीं आएगा। यस सर, और वन इसकी पावर क्या आएगी, एन माइनस वन, वन बाय ए रेशियो एन माइनस वन, कोई डाउट? नो सर। nth ऑर्डर तक की डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं, nth ऑर्डर तक की डेरिवेशन समझ आ गई सबको कि नहीं? यस सर, ये डेरिवेशन कर लेना, बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है nth ऑर्डर तक। अच्छा, अब एक बार रिजॉइन कर लेंगे, दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, डेरिवेशन दो दो बार सारी कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, सही ना, एक बार रिजॉइन कर लेंगे।